दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफीम की खेती कैसे, किस तरह और किन इलाकों में की जाती है, और आखिर यह अफीम कैसे बनती है, और इसकी काश्त करने का लाइसेंस कैसे लिया जा सकता है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी अहम मालूमात मिस ना हो जाए। सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि अफीम आखिर है क्या। तो दोस्तों, शायद आपको ये पता ना हो कि अफीम हमारे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। पहले मुगलों और राजा महाराजाओं के दौर में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता था। इसी वजह से आज हमारा मुल्क अफीम की पैदावार में वाहिद ऐसा मुल्क है जहां ये दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट होती है। जिस पौधे से अफीम हासिल की जाती है, इसके लिए किसानों को खास तरह के लाइसेंस की जरूरत पेश आती है, क्योंकि अफीम का इस्तेमाल भले ही दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है, पर यह बहुत ही ज्यादा नशे से भरपूर होती है। इसी वजह से गैर जरूरी तरीके से इसका फायदा उठाने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है, जो इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर भी करते हैं। अब यहाँ यह सवाल आता है कि अफीम की खेती करने के लिए सबसे सही मौसम कौन सा है। इसकी खेती सितंबर की आखिर या फिर अक्टूबर की शुरुआत से शुरू की जाती है। अब इसे उगाया कैसे जाता है? तो इसे उगाने के लिए सबसे पहले आप अपने खेत को 3 से 4 बार जोत लीजिए, फिर अपने खेत के अंदर गोबर की खाद से लेकर मुर्गों और दूसरी खाद अपने खेत में डाल दीजिए। अफीम के पौधे को बड़ा होने के लिए बहुत ही ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आपका खेत पहले से अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप केमिकल की खाद इसमें ज्यादा डाल दें, क्योंकि सभी चीजें मुनासिब मकदार में डालनी है। अब दोस्तों, जैसे ही आपका खेत तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर बीज छिड़क दीजिए। जैसे ही आपको अफीम की खेती का लाइसेंस मिलेगा तो आपको बीज देने वाले लोग भी मिल जाएंगे। वैसे हम आपको बता दें कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में कई सारे इंस्टीट्यूट आते हैं जो इस पर रिसर्च करते हैं, वो आपको बड़ी आसानी से इसके बीज दे देंगे। बस आपको इसे अपने खेत में चारों तरफ छिड़क देना है और फिर हल चला दें ताकि बीज अच्छी तरह से जमीन के अंदर चले जाएं, और फिर पानी डाल दें। अब आहिस्ता आहिस्ता ये पौधे बड़े होते जाएंगे और मुस्तकबिल में आपको इनकी बस देखभाल करनी है। कई लोग ये सोचते हैं कि आखिर इनके हार्वेस्टिंग कब और कैसे की जाती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसकी हार्वेस्टिंग 1 या 2 दिन में नहीं, बल्कि ऐसा करने में काफी लंबा टाइम गुजर जाता है, जिसे करने का तरीका थोड़ा अनोखा होता है, क्योंकि इन पौधों के ऊपर जो गोल गोल डोंडे होते हैं इनमें कट लगाना होता है और इसे बिल्कुल टाइम टू टाइम करना होता है। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे के दरमियान इन पौधों के डोंडों के टाइट हो जाने के बाद इन पर आपको कट लगा देना है। जब आप कट लगा देंगे तो इनमें से एक खास तरह का लिक्विड निकलेगा। अब आपको इसे पूरी रात निकलने देना है। अगले दिन आपको सुबह 6 बजे ही खेत में पहुंच जाना है। जब आप खेत में पहुंचकर इन पौधों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पर लिक्विड काफी ज्यादा मकदार में इकट्ठा हो गया है। अब आपको इसे इकट्ठा हुए लिक्विड को निकाल लेना है। इसे निकालने के लिए भी एक अलग तरकीब होती है, जिसे निकालने के लिए कई तरह के टूल्स आते हैं, पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको इसे जल्द से जल्द निकालना है, क्योंकि सुबह के बाद 3-4 घंटों में ही धूप आ जाती है और अफीम के इन पौधों पर धूप लगने से पहले आपको इस लिक्विड को निकाल लेना है। और इस तरह हमारे किसान भाई हार्वेस्टिंग का काम करते हैं। आपको बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाकों में इसकी खेती बहुत ही ज्यादा मकदार में होती है। इन इलाकों में इनके लाइसेंस भी बहुत ही ज्यादा मकदार में मिलते हैं। अब यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि क्या आप भी अफीम की खेती कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ज्यादातर किसान जो इसकी खेती कर रहे हैं इन्हीं को ये लाइसेंस रिन्यू किया जाता है। आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले हमारी गवर्नमेंट ने अफीम की खेती के लिए नए लाइसेंस दिए थे, और अब गवर्नमेंट इसी किसान के लाइसेंस को रिन्यू करती रहती है। आपको बता दें कि अगर किसी तूफान, बारिश या किसी वजह से आपका अफीम वाला खेत खराब हो जाएगा तो वो आपको सारा हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जैसे कि पत्ते, जड़ें और डोडे वगैरह। जब आप वो खराब चीजें गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे तब जाकर आपको गवर्नमेंट क्लेम के पैसे देगी। अब बात करते हैं कि अफीम की खेती में कमाई और खर्च कितना आता है। आपको बता दें कि इसकी खेती में आपको करोड़ों का फायदा होता है और खर्च बहुत ही कम होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।